गाइस क्या होगा अगर हम इस वर्ल्ड सीड में जाकर विलेजर से ट्रेड करते हैं तो, एंड क्या होगा अगर तुम रात को 3 बजे माइनक्राफ्ट खेलते हो, एंड क्या ब्लड वार्डन सच में रियल होता है। इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। तो गाइस ये देखो रेडिट में कुछ घंटों पहले ना इस Marty22 नाम के बंदे ने एक पोस्ट डाला है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, कैन समवन प्लीज टेल। तो गाइस बेसिकली ये कहना चाहता है कि ये वाला सीड टेस्ट कर रहा था, इन्हें बहुत अच्छे से नॉर्मली खेल रहा था, पर जब वो विलेजर के साथ ट्रेड करने गया तो वो मर गया। एंड जैसे उसने रिस्पॉन दबाया उसको ये वाला मिस्टीरियस मॉब दिखता है। भाई ये क्या है? शिट गाइस ये तो टेस्ट करना पड़ेगा यार। सो गाइस हम लोग भी जाके इसको टेस्ट करते हैं यार, देखते हैं ये बस्टेड है कि रियल है। आई बहुत स्कैरी यार, डर लग रहा है मुझे। देखो यार गोलम भी इसको मार रहा है, बट ये किसी टाइप का एक स्टीव लग रहा है यार। मतलब मुझे तो लग रहा है ये विलेजर ही है, इसको कुछ तो हो गया। इसका देखो इसका स्टमक कट गया पूरा। ओह शिट। तो चलो गाइस तुम लोग के आंखों के सामने मैं एक वर्ल्ड बना रहा हूँ। इसको लगते हैं अभी के लिए सर्वाइवल रखते हैं, इसको इजी कर लेते हैं यार, मर भी गया। गाइस यहाँ पे चीट्स ऑफ है तो कोई भी चीटिंग कोई कुछ नहीं कर रहा। एंड मंदिर ने जो हम लोग को सीड दिया था वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। चलो गाइस वर्ल्ड बन रहा है एंड हम आ गए गाइस। भाई अभी सी रात हो रही है। तो गाइस पोस्ट में तो लिखा था उसने कि वो एक विलेज ढूंढता है। विलेज मिला। क्यों 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 पांचवी विलेज है। भाई सीड तो अच्छा है। लेट्स गो गाइस चलते हैं। मैं काम करता हूं गाइस अपना रेंडर डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा लेता हूं, क्या ना कोई मॉन्स्टर दिखे तो उसको फोड़ दूंगा मैं। गाइस बहुत डर लग रहा है। उसने पे गाइस खुद लिखा है आई गो इन द विलेज टू ट्रेड एंड आई डाई समहाउ। इसका मतलब कि मैं किसी भी टाइम मर सकता हूं यार। प्लीज मरूंगा तो प्लीज बचा देना। बट गाइस अभी के लिए जाके ना थोड़ा ट्रेडिंग करके आते, वहीं से कुछ ना कुछ हो यार। ओके मैं विलेज में तो आ चुका हूं, बट यहां पे तो कोई विलेजर ही नहीं है भाई। हैं उसी दूर पे वो भी है भाई, डर लग रहा है। वो गाइस विलेजर मिला भाई। चलो गाइस ट्रेडिंग करके देखते, डर लग रहा है। रेडी सेट एंड गो। ओके 32 स्टिक के। अरे गाइस इसको तो 32 स्टिक्स चाहिए। 2 मिनट गाइस क्राफ्ट कर लेते जरा। तो चलो गाइस ट्रेड करके देखते हैं कुछ होगा क्या। व्हाट कुछ एक मिनट गाइस मेरे को समझ नहीं रहा यार। एंड फिर गाइस मैंने जाके थोड़ी सी रिसर्च की। थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे रेडिट पे एक वीडियो मिलता है। ओके तो गाइस ये देखो तो कौन सा वीडियो मिला। एक बार आप प्ले करके हम प्ले करते हम देखते हैं क्या होता है। गाइस देखो यही जा रहा है एक्चुअली में गाइस ये विलेज में देखो ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। एंड इसके पास अभी एक्चुअली में 25 एमराल्ड्स है एंड ये स्टिक ट्रेड कर रहा है। ये इसने आई थिंक लैक्टन नहीं स्मिथिंग टेबल बनाया इसने स्टिक ट्रेड करने के लिए। ये ट्रेड कर रहा है 26-27 पे मर जाता है गाइस। देखा गाइस एंड वेट थोड़ा सा रिवाइंड करके देखते हैं। ये देखो गाइस जैसे ये मरता है वो देखो क्या है वहां पे। ये गाइस वो स्टीव दिख रहा है। बट इसने किया कैसे यार। गाइस मैं थोड़ा सा इसको डीकोड कर रहा था वीडियो को। तो हम लोग पहले तो हम लोग ये विलेज ढूंढेंगे एंड फिर हम लोग को एक स्मिथिंग टेबल बनाना है। एंड फिर स्मिथिंग टेबल में एग्जैक्टली आई थिंक है ना 27 एमराल्ड माइन कर लेने पड़ेंगे, ट्रेड करने पड़ेंगे। इसने देखो बहुत सारा स्टिक बनाया इसने, जिसे देखो 26 एंड 27 जैसे ही रखता है बूम मर जाता है वो। तो चलो गाइस हम लोग भी ट्राई करते हैं। एंड विलेज भाई ये रहा दूसरा विलेज है ये। थोड़ा सा स्टिक के लिए माइन भी कर लेते हैं, एक स्मिथिंग टेबल भी बना लेंगे। भाई वो रहा थोड़ा सा ग्रेवल है गाइस। कब से गाइस मैं इसको स्मिथिंग टेबल बोल रहा हूं, ये फ्लैचिंग टेबल है गाइस। ये रहा वो विलेज एंड वेट गाइस ओए एग्जैक्ट स्पॉट मिल गया गाइस। ये देखो वीडियो में भी देखो यही से ट्रेड कर रहा था ये गाइस। बस एक सस्ता सा विलेजर लेना है। बूम कौन बना मेरा शाबाश ये बन गया गाइस। चलो गाइस ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरी तो फट रही है यार। 1 2 ओके 5 हो गए मेरे पास, 6 हो गए, प्लीज 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 10 हो गए, 12 हो गए। आई थिंक और स्टिक चाहिए हम लोग को, और स्टिक चाहिए होगी। नीचे लेके आता हूं। चलो गाइस 24 हो गए, 25 बस 2 बाकी है, 26 एंड प्लीज प्लीज हां व्हाट कुछ नहीं हुआ। ये क्या हुआ है गाइस, डर लग रहा है पीछे से कोई आ ना जाए। यार ये क्या हो गया मीत बस्टेड का। एक मिनट विलेजर अपना विलेजर कहां गया। अरे एक मिनट गाइस अरे तो नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट हो गया। ये क्या इसका
भाई ट्रेड नहीं कर रहा तेरे को, मैं तेरे फ्लैचिंग टेबल लगाया यहाँ पे। ए एक मिनट इसको ट्राई करते, विलेज कुछ एमरल्ड देने का वापस ट्राई करते, लेगा क्या? ए ले रहा व्हाट, हाथों में एमरल्ड है इसके। गैस कुछ ग्लिच व्लिच हो रहा है, कुछ कहना चाहता है क्या विलेजर? ये कहाँ रहा है, ये कौन सी, नहीं ये क्या हो गया गाइस, नहीं ह्यूमन स्टेज वन, ये कौन है? ओ गाइस रिस्पॉन, ओ गाइस भागो भाई, मैं विलेज, अच्छा हूँ मैं, अब स्पॉन हो भाई, नहीं जा रहा विलेज वापस गाइस, ये मिथ तो सच है। गाइस जैसे कि तुमने देखा कि हम लोग को स्टीव मिल गया था वहाँ पे, एंड अगर ध्यान से देखा होगा तो उसका पेट फटा हुआ था, उसकी जीभ बाहर थी, पता नहीं ये मिस्ट्री स्टीव आया कैसे यार, पर जैसे वीडियो में दिखाया था ये तो बिल्कुल उसके जैसा नहीं था। जिस विलेजर से मैं ट्रेड कर रहा था उसके ऊपर लाइटनिंग गिर के वो बेचारा मर गया, एंड ये उस पता नहीं कहाँ से स्पॉन हो गया। बट लग रहा है तो गाइस कुछ दिन पहले मैं ऐसे इंटरनेट सर्फ कर रहा था, तभी मुझे एक अनयूजुअल सा आर्टिकल मिला, ब्लड वार्डन। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं गाइस, ब्लड वार्डन एक खतरनाक एंटिटी है जो कि बिल्कुल वार्डन जैसा दिखता है लेकिन रेड ब्लड से बना होता है। देखो गाइस कैसा चिल्ला रहा है, चीख रहा है। एंड गाइस तुम लोग सोच रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ ये आर्टिकल, क्योंकि मैं आर्टिकल को पढ़ रहा था, एंड मैं जैसे ही नीचे गया यहाँ पे मुझे कमेंट मिला, एंड इसका नाम पता नहीं क्या है, क्रीपी कुछ तो लिखा है भाई, इसने यहाँ पे क्या लिखा है गाइस, आई कैन समन ए ब्लड वार्डन। गाइस लिटरली यहाँ पे इसने रिचुअल दिया है इसको समन कैसे करने का, गाइस बहुत ही डर लग रहा है, इसको ट्राई करेंगे। तो गाइस ऊपर से पता देता हूँ ये क्या बोलना चाहता है, ये बोल रहा है कि हम लोग को ना एक बेटा 1.8.1 वर्जन ऑफ माइनक्राफ्ट चालू करना होगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं ये बहुत पुराना वर्जन है, यानी यही वर्जन में काम करेगा। तो जैसे हम इस वर्ल्ड के अंदर जाएंगे हम लोग को प्लेन्स बायोम के अंदर जाना है, जैसे हम प्लेन बायोम के अंदर जाएंगे वहाँ पे ब्लड रेन होगा। गाइस ब्लड रेन समझ रहे हो ना, मतलब कुछ ग्लिच है क्या, ब्लड रेन थोड़ी ना होता है माइनक्राफ्ट में। और ये बोल रहा है कि जैसे ही रेन होना स्टार्ट होगा तुझे वो ब्लड रेन को कोल्ड्रॉन में कलेक्ट करके एक पॉन्ड बनाना है। ओके गाइस, ओके गाइस मैं समझ गया, मतलब ऊपर से एक पॉन्ड बनाना है ब्लड रेन का। ओके उसके बाद आगे इसने कुछ नहीं लिखा है, चलो ट्राई करना पड़ेगा, वार्डन आ रहा हूं तेरे को खाने। तो चलो गाइस मैं आ चुका हूं टी लॉन्चर में, एंड आप सोच रहे हो मैं टी लॉन्चर की यूज कर रहा हूं, तो एक्चुअली में गाइस इसमें इसने क्या बोला था 1.8.1 बीटा यूज करना है। एक्चुअली में ना यहां पे वर्जन में बहुत सारे, एंड इसमें एक्चुअली में ये वर्जन है यहां पे बेटा 1.8.1। चलो गाइस अंदर जाते हैं, एंड ओ आ गए, ओ भाई ये क्या है, ओ देखो गाइस बहुत पुराना वर्जन है, इसके टेक्सचर्स देखो, ओ हाँ एक मिनट बारिश हो रही है भाई, ये ब्लड रेन बोला था इसने होगा, ब्लड रेन नहीं हो रहा भाई, स्कैम मिथबस्टर बस्टेड तो नहीं, बट वो छोड़ो यार टेक्सचर्स देखो गाइस एकदम पुराने माइनक्राफ्ट वाले, आपको पता नहीं अगर आपने खेला होगा कि नहीं, लेकिन आप बेटा वर्जन खेलोगे ना तो उसके माइनक्राफ्ट के टेक्सचर ऐसे होते हैं, ये देखो एकदम पुराने हैं, सेटिस्फाइंग गाइस, मतलब बिल्कुल भी माइनक्राफ्ट नहीं लग रहा। ओके चलो गाइस तो हमारा पहला टारगेट है, हम लोग को प्लेन्स बायोम ढूंढना है, ये प्लेन बायोम तो लग नहीं रहा मेरे को। ओके गाइस हम लोग आ चुके हैं प्लेन्स बायोम में, अभी बस उसने जैसे बोला था रेन का इंतजार करना है, चलो गाइस रेन का इंतजार करते हैं, होप करता हूं कि पिक ब्लड रेन होगी यार। व्हाट ब्लड रेन हो रही है, शिट। ओके गाइस अभी हम लोग को पॉन्ड बनाना है फटाफट से, तो पॉन्ड कैसे बनाऊं, एक काम करते गाइस क्रिएटिव में जाते, इतना टाइम नहीं मेरे पास, बूम पॉन्ड बना लेते हैं एक यहां पे, तो 3x3 का पॉन्ड बना लिया है, आई थिंक हम लोग को और थोड़ा गहरा बनाना पड़ेगा। ओके गाइस अभी हम लोग को पानी चाहिए, पानी अगर मैं वाटर बकेट लिखूं तो ये तो नॉर्मल वाटर है यार, ये वाटर नहीं चाहिए मुझे, ब्लड वाला वाटर होना चाहिए था यार। आई थिंक गाइस मेरे को कोल्ड्रॉन यूज करना पड़ेगा, कोल्ड्रॉन लेते हैं हम लोग थोड़ा पे रखते हैं, आप यहाँ से पानी इकट्ठा करते। ओके चलो गाइस थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं इसमें पानी भरता है कि नहीं, प्लीज 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 रेड वाला पानी भरना। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ओ भर रहा है, ओ भाई साहब ब्लड वाला ब्लड, और इसको क्या करूं, इसको लू क्या बकेट में, वो ले नहीं पा रहा यार, फुल भरना चाहिए यार, जल्दी भर, भर रहा है। ओके गाइस पूरा भर चुका है, इसको लेते हैं बूम। ओ गाइस ये देखो लाल लाल वाटर बकेट, क्रिएटिव से एक और बकेट लेते गाइस, एंड बूम दूध हो चुके गाइस, फटाफट से इसको भरते यहाँ पे बूम, एंड देखो भाई भाई साहब खून ही खून, डर लग रहा है गाइस, ब्लड वार्डन स्पॉन हो गया ना भाई, मैं तो रो दूंगा यार अभी, अगर सब अच्छा चल रहा तो अभी ये क्या हो रहा है, ब्लैक 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 क्यों हो रहा है, नहीं 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 गाइस थोड़ा हट रे,
गाइस 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 मुझे लग रहा है कि वार्डन आने वाला है यार, ब्लडी वार्डन। शिट, ये तो ब्लड वार्डन है। नहीं, शिट शिट शिट, भागो। ओ नो गाइस, ब्लड वार्डन सच में आया था। ओ नहीं 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 नहीं, ये क्या हो रहा है पता नहीं, पता गाइस गाइस प्लेन बाय हम सेटना पड़ेगा। ये क्या हो गया, पूरे शिको पूरा ब्लड ब्लड हो गया है। गाइस जैसे कि तुमने देखा कि हम लोग सक्सेसफुल हो गए थे ब्लड वार्डन को स्पॉन करना, पता नहीं ये कैसे हुआ, बट सच में जिस बंदे ने कमेंट किया था, हैट्स ऑफ टू यू। बट गाइस ट्राई मत करना ठीक है, स्पेशली रात को। तो गाइस ये मिथ भी है कंफर्म। गाइस ये सब तो ठीक है, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट मिथ होने वाला है वो सबसे स्कैरी होने वाला है। तो गाइस ये वाला मिथ भी मुझे रेडिट पे मिला बाय द यूजर नेम OK6788। अरे इतना बड़ा नाम, बेशरम। बेसिकली बोल रहा है कि डोंट प्ले माइनक्राफ्ट एट 3 AM। तो गाइस क्या बोल रहा है, यस्टरडे आई वाज प्लेइंग माइनक्राफ्ट एट 3 AM ऑन दिस स्पेसिफिक सीड। अच्छा गाइस ये सीड पे, ये वाले सीड पे ये माइनक्राफ्ट खेलता 3 बजे। बड़ा माइनक्राफ्ट खेलना है। आई वेंट टू ए केव एंड आई सॉ ए इविल क्रिएचर इन द केव। प्लीज गाइस डोंट प्ले दिस सीड एट 3 AM टू 3:05 AM। आई बेग यू, यू कैन सी द स्क्रीनशॉट। ओ भाई साहब ये क्या है, ये क्या लिखा है, इट्स पिच ब्लैक, यू आर लाइकली टू बी ईटन बाय ग्रू। हम ग्रू है भाई, क्या स्कैरी दिख रहा है। बट गाइस मुझे लग नहीं रहा ये ट्रू है यार, मतलब ऐसा अगर होता तो बहुत लोगों ने डिस्कवर किया रहता यार, थोड़ा शक हो रहा है इस पे अब मुझे। तो चलो गाइस मैं आ चुका हूं माइनक्राफ्ट में, यहां पे लिखते हैं स्कैरी, फिर हम लोग मोर ऑप्शन में जाएंगे, यहां पे अपना सीट डालेंगे, यहां पे आगे माइनस का एक्शन है, बूम माइनस, एंड चीट स्पीड सब ऑफ रखेंगे, एंड बूम बना लिया गाइस मैंने वर्ल्ड, एंड आ गए। ओके यस लेट्स गो। एंड एक्चुअली मी गाइस इतना गंदा सीट भी नहीं है, बोलना मत कि आजू बाजू केव होगा, मैं जाके देखते हूं गाइस केव अंदर। ओके गाइस अभी एक चीज करना है हम लोग को 3 बजे आना है, वो भी रात को। यार सच में गाइस मेरी तो बहुत फट रही है। गाइस अगर आप रात को देख रहे हो ना वीडियो मत देखना, क्योंकि आप डर जाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप चिल्ला चिल्ला के रो दो। तो चलो गाइस मिलता हूँ 3 बजे के थोड़ा पहले। 3 hours later। ओके गाइस अगर मैं थोड़ा कैमरा इधर करूं तो गाइस ऑलमोस्ट 2:59 हो गए यार। गाइस मैं ट्राई करूंगा चिल्लाऊ ना, क्योंकि सब सो रहे हैं। 3 ऑलमोस्ट बज चुके गाइस, आई थिंक कुछ 20 सेकंड बाकी है। अरे फोकस हो जा, फोकस हो। ओके फोकस हो गया, आई थिंक गाइस 20 सेकंड बाकी है। गाइस 3 बज गए, लेट्स गो। चलो गाइस अभी अपना हम लोग माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर जाते हैं, अगर ये सब सच हुआ तो गाइस हम लोग को मॉन्स्टर दिखेगा। मॉन्स्टर यार, ग्रूर नाम था उसका ना, केव कहाँ पे था पहले, और उसने बोला था कि 3 बज के मतलब 3:05 के बीच में हम लोग जाना है। तो गाइस जल्दी से जाता हूँ, टाइम वेस्ट ना हो जाए। ये रहा केव गाइस, लेट्स गो प्लीज प्लीज भगवान मारना मत। ओह शिट शिट शिट, कोई मार ना ले यार। आई होप करता हूँ गाइस आपको दिख रहा होगा कि गाइस यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, कुछ होता है तो देखते हैं। फट रही है मेरी तो यार, मतलब मेरे को लग रहा है कि मिथ बस्टेड हो सकता है, फिर भी डर लग रहा है। ओके गाइस मैं 2-3 मिनट से अभी चल रहा हूँ केव में, लेकिन कोई दिख नहीं रहा मुझे। बोलना मत, पोपट हो गया मेरा यार। 3:04 हो गया है अभी तो कोई नहीं आया। अब फालतू में मैंने सोया नहीं हूँ यार, 3 घंटा जागा हूँ मैं यार, प्लीज आ जा यार। फिर गाइस मैंने 10-15 मिनट और इंतजार किया उस क्रीचर का आने का, बट वो नहीं आया। अरे गाइस लगता है चूना लगा दिया यार। गाइस मैं लिटरली आधे घंटे आई थिंक 20 मिनट से यहाँ पे हूँ, बट कोई आया नहीं अब तक। स्कैम कर दिया गाइस हमारे साथ, मिथ बस्टेड है ये। बट लेकिन गाइस मैं बहुत खुश हूँ यार कि वो क्रिएचर नहीं आया यार, मुझे बहुत डर लग रहा था यार क्योंकि 3 बज रहा है यार, आप समझ सकते हो ना यार, 3 बजे सब सोते हैं, एकदम सन्नाटा होता है यार, अचानक से कोई क्रिएचर तुम्हारे मुंह पे आके फटे तो भाई डर तो लगता है ना। मैं होप करता हूँ कि आपको ये डी टाइप का वीडियो पसंद आया होगा, ऐसा मिथ को एक्सपोज करना, मुझे तो गाइस बनाने में बहुत मजा आया। एंड अगर आपको भी पसंद आया तो अभी कभी लाइक कर दो, एंड हाँ एक कमेंट करके बोल देना मुझे कि आपको पसंद आया। मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।